सो गाइस, मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ जो भी आप कपड़े पहनते हैं, जो भी रुमाल या दुपट्टे पहनते हैं, वो बनते कैसे हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाऊंगा कैसे बनते हैं, सारी डिटेल मैं आपको बताने वाला हूँ। एक भी धागा कट जाए तो लूम बंद हो जाता है? नहीं नहीं, बंद नहीं होता। मतलब भाई के बाद में फिर चालू करना होता चीज, मतलब जैसे कि रुमाल हो गया। हाँ। टोल पूरा हो गया। उसके बाद में इसको बढ़ा दूं, फिर चला दूं। रुमाल हो गया तो बढ़ा दो आगे। हाँ, उसके बाद दूसरा रुमाल शुरू कर लो। ऊपर ये किस काम आता है? ये डिजाइन बनती है इससे, इसमें डिजाइन बनती है। और ये क्यों लगा है? ये मतलब रुमाल के हिसाब, मतलब इतना बड़ा रुमाल बना है। इतना बड़ा रुमाल चाहिए, यहाँ पे निशान बना होगा ना? लगाया जाता है रुमाल, जैसे ज्यादा हो गया तो काट देते, बढ़ा देते हैं, उसको बढ़ा देते हैं, फिर वहीं से चालू कर दिया जाता है। और यहाँ से स्टार्ट होता है? स्टार्ट यहाँ से होता है। और इसमें बॉबिन, जैसे हम लोग मशीन में लगाते हैं, वो बॉबिन दिखाओ जरा। नहीं, ये जिसमें धागा भरा, इसको क्या बोलते हैं? इसको रोटा बोलते हैं। और इसके अंदर धागा फंसाया जाता है। तो इसका कैसा पैसा कैसे मिलता है? इसका रुमाल के हिसाब, अद्धी के हिसाब से मिलता है। दो रुमाल के, दो रुमाल का कितना? दो रुमाल के मान के चलिए 22 रुपए। 22 रुपए तागा वगैरह सब उनका रहता है। लाइट बिल तुम्हारा होता है? खाली वहाँ बिल बिल हमारा रहता है, बाकी मजदूरी है। मजदूरी है। स्टार्ट करो। ऊपर कपड़ा बनता रहता है और नीचे लपेटता रहता है। तो आप लोग देख सकते हैं कैसा रेगमाल लगा हुआ है, नीचे लपेटता रहता है और ऊपर बनता रहता है। तो कुछ इस तरीके से आपका कपड़ा बनता है। और जो भी मैंने ढोटा दिखाया था, उसके अंदर जो भी कांडी लगती है धागा भर करके, वो इसमें धागा इस तरीके से भरते हैं। तो आप देख सकते हैं धागा किस तरीके से भरते हैं। ये है जयपुर, उत्तर प्रदेश। जयपुर फेमस है रुमाल और दुपट्टे के लिए। यहाँ पर रुमाल और दुपट्टे बनते हैं और विदेशों में सप्लाई की जाती हैं। तो आप लोगों ने देखा कैसे आपका कपड़ा, जो भी रुमाल या फिर दुपट्टे बनाते हैं, वो कैसे सप्लाई होता है और कैसे बनता है। ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर नए टॉपिक के साथ।